अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको, मैंने गोल्ड ब्रीड के ऊपर कंपैरिजन की तो कई वीडियो बनाई थी, मैंने सोचा अब शीप ब्रीड्स और चिकन ब्रीड का भी कंपैरिजन के ऊपर एक दो वीडियो बना लूं। तो आज हम दो शीप ब्रीड्स के बारे में बात करने वाले, विलायती और मेरिनो। मेरिनो जो शीप ब्रीड है वो लद्दाख की है। लोग इसे ऑस्ट्रेलियन क्या करके बेचते हैं, लेकिन असल में जो ऑस्ट्रेलियन मेरिनो होता है वो अलग ही होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लेकिन ये जो इंडियन मेरिनो है, इसे ये लद्दाख की ब्रीड है। ये कोई किस ऑस्ट्रेलिया से इसे इंपोर्ट भी नहीं किया गया है, बस सर एक लद्दाख की ब्रीड है, जैसे मेरिनो मेरिनो बोला जाता है। असली मेरिनो अलग होता है, लेकिन ये भी इंडियन मेरिनो है, बोलूँगा एक तरीके से उसी तरह का होता है, लेकिन ये वो ब्रीड नहीं है। दोनों दो कलर में अवेलेबल होते हैं, ब्लैक कलर और वाइट कलर में। और जो विलायती है वो तीन कलर में, और मेरिनो जो है वाइट और ब्लैक के अलावा और किसी कलर में नहीं मिलता है। मेरिनो दो कलर में होता है और विलायती तीन कलर में, ब्राउन, वाइट और ब्लैक में। ये दोनों ही, ये देख सकते हैं मेरिनो को, ये खिंचाव जो होता है आपको ये खाल में दिख रहा होगा, ये इसकी पहचानी है जो इसे विलायती से अलग करता है। ये विलायती, इसमें वो लाइन स्ट्रिप्स नहीं थी, जो सुकड़ापन उसकी खाल में था ना, वो इसकी खाल में नहीं होगा, क्योंकि ये विलायती है और वो मेरिनो था, इस वजह से उसके अंदर ये था। इन दोनों की सिंगिंग के कान की तरफ से राउंड होकर निकलती है, और ये दोनों ब्रीड्स काफ़ी खूबसूरत ब्रीड्स है। ये दोनों ब्रीड्स क्या ओरिजिन की बात करूँ तो मैंने आपको मेरिनो को तो बता ही दिया है, लद्दाख है, और विलायती का जो ओरिजिन है वो है पंजाब। ये पंजाब की ब्रीड है विलायती मेंढा। इसकी सींग इसकी सबसे बड़ी खासियत है, लोग फाइटिंग के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, मेरिनो और विलायती का। देख सकते हैं कितनी अच्छी और मजबूत सींगें होती हैं इसकी, कान की तरफ से राउंड होती है और हल्का सा ट्विस्ट होती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देती है इनको। इनके कान छोटे होते हैं और नीचे की तरफ गिरे हुए होते हैं। इनका मुंह पूरा गुलाबी होता है, इनमें से जो गुलाबी कलर के होते हैं वो उन्हें ज़्यादा पसंद किया जाता है, जैसे विलायती के और मेरिनो दोनों के ही जो गुलाबी होते हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है, और उनका ज़्यादा प्राइस होता है नॉर्मल वालों से। ये पूरे गुलाबी में भी आते हैं और ये स्पॉट्स में भी आते हैं। ये दोनों ब्रीड्स काफ़ी अच्छी है। इनके खाने में कोई नखरा नहीं करती, आप इन्हें कुछ भी दें तो ये आराम से खा लेते हैं। ये दोनों ही ब्रीड, विलायती और मेरिनो, ये दोनों शीप ब्रीड्स है और इंडिया की काफ़ी अच्छी ब्रीड्स है। विलायती की ज़्यादा डिमांड है मेरिनो से, मैं बोलूँगा। विलायती मेंढा अभी हैदराबाद में, बेंगलोर में और मुंबई में इसकी फार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है, और ये इनकी इन्हें फाइटिंग के लिए भी लोग रखते हैं। इनका वेट गेन की बात करूँ, मैंने 135 केजी तक का विलायती मेंढा देखा था। मेरिनो का तो मैंने ज़्यादा वेट पे देखे नहीं है कि लोग तैयार नहीं करते। मैंने अभी तक जो सबसे बड़ा मेरिनो देखा है, और बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैंने जितना बड़ा देखा उतना मैं बता रहा हूँ, सुना है कि मैंने 85 केजी तक का मेरिनो देखा है, उससे बड़ा मैंने मेरिनो मेंढा नहीं देखा है। तो विलायती ज़्यादा अच्छा वेट गेन करने वाली ब्रीड है, विलायती की ज़्यादा डिमांड है, विलायती मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगता है इन दोनों ब्रीड्स में, तो मैं बोलूँगा तो मुझे विलायती ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये आपकी राय है कि आप, जैसे भी तो ये बिज़नेस की तरफ से कोई रखता नहीं है, शौक़ की तरफ से। एक आदमी 10 बकरा रखता है तो एक मेंढा उसमें रखता ही है ज़रूर, तो ये शौक़ के हिसाब से है, तो इसमें कोई फार्मिंग तो करनी होती नहीं है। तो मुझे अगर इन दोनों ब्रीड्स में मैं बोलूँ तो मुझे विलायती ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो वेट गेन में ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत ज़्यादा है। बस ये दो चीज़ों की वजह से मुझे विलायती ज़्यादा पसंद है, मेरिनो उतना नहीं पसंद है। दोनों की पूछ की बात करूँ तो विलायती की पूछ छोटी होती है और मेरिनो की थोड़ी बड़ी होती है, विलायती से ज़्यादा नहीं, थोड़ी। जैसे एक ब्रीड आती है मुजफ्फरनगरी भेड़, उसकी तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती है, उतनी बड़ी भी नहीं होती है। मेरिनो की थोड़ी बड़ी होती है विलायती से, अगर आप मुकाबला करें तो विनर की बात करूँ तो मैं विलायती मेंढा ही है। विलायती मेंढा ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ एक काफ़ी अच्छी ब्रीड है। इनके विलायती और इनकी जो फेस का शेप होता है वो हल्का सा उठा हुआ होता है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, हल्का सा उठा हुआ। इसे रोमन नोज़ शायद बोल सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, ये रोमन नोज़ में ही होते हैं मेरे ख्याल से। और काफ़ी अच्छी ब्रीड है ये दोनों। और अल्लाह हाफिज़। अरे सॉरी, मैं एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी और वीडियो बनाता रहूँगा। अगली वीडियो कड़कनाथ और असील के कंपैरिजन के ऊपर आएगी, तो आप वो भी देखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।